दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है एलजी कंपनी का सीआरटी टेलीविज़न है और दोस्तों इसमें एक फॉल्ट है। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार का इस एलजी के टेलीविज़न पर दोस्तों यह फॉल्ट आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार का फॉल्ट कभी भी दोस्तों आपको यदि देखने को मिलता है तो आप दोस्तों कहाँ से पता करेंगे कि यह फॉल्ट जो है तो किस सेक्शन का है। अधिकतर दोस्तों यदि आपको एलजी का चाहे अल्ट्रा स्लिम टेलीविज़न हो चाहे दोस्तों नॉर्मल वाला टेलीविज़न हो, यदि आपको कभी भी इस प्रकार का दोस्तों फॉल्ट देखने को मिलता है, किसी प्रकार का पिक्चर दोस्तों नहीं आता है, केवल ऑडियो बस आता है, तो यह फॉल्ट दोस्तों कहाँ से होता है उसी के बारे में एक छोटा सा जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। इस प्रकार का फॉल्ट दोस्तों आपको कभी भी दिखे कि आपको स्क्रीन पर इंद्रधनुष टाइप का दोस्तों जो है कलर, अलग अलग कलर दोस्तों दिखाई दें, तो आपको दोस्तों वर्टिकल सेक्शन में चेक करना होगा। जो वर्टिकल आईसी होता है उसका दोस्तों आपको वोल्टेज चेक करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि हमें इस वर्टिकल सेक्शन पर जो वर्टिकल आईसी है दोस्तों उसमें हमें कितना वोल्ट मिलता है। और इस टेलीविज़न किट पर दोस्तों जो आईसी लगा हुआ है 4865 लगा हुआ है और इसमें दोस्तों वोल्टेज जो है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आईसी के पास एक डायोड लगा होता है जिसके दोनों पॉइंट पर हमें करीब 25 से 26 वोल्ट दोस्तों मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों करीब 29 वोल्ट हमें एक डायोड के एक तरफ मिल रहा है, लेकिन दोस्तों दूसरे पॉइंट पर जो है तो हमें वोल्ट जो है 1 से 2 वोल्ट के लगभग ही मिल रहा है। मतलब दोस्तों प्रॉपर वोल्टेज जो है हमारा नहीं जा रहा है आईसी पर। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो आईसी है तो आईसी शॉर्ट हो चुका है। और अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वर्टिकल का, तो देख जो दोस्तों योग पर जाता है उसका वोल्टेज हम देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमें किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यह जो आईसी है 4865 TDA 4865 इसे दोस्तों मैं न्यू चेंज कर दूंगा। तो इसे सबसे पहले दोस्तों हमें निकाल लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस टेलीविज़न पर वर्टिकल सेक्शन में दोस्तों आईसी लगा हुआ है जिसका नंबर जो है तो TDA 4865 है। और इस आईसी पर दोस्तों हम अलग अलग जो है तो जो और भी आईसी के नंबर दोस्तों होते हैं जैसे कि 4863 4864 उसे भी दोस्तों हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं TDA 4865 की जगह पर। तो दोस्तों मेरे पास जो है 4865 नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने TDA 4865 को जो कि ख़राब हो चुका है, शॉर्ट है, तो दोस्तों मैंने उसे किट से बाहर कर दिया है और मेरे पास जो है एक दूसरा नंबर है दोस्तों, देख सकते हैं TDA 4863 दोस्तों मैं इसे इसमें लगाने वाला हूं। और देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें सोल्ड भी कर दिया है। और अब हम दोस्तों टेलीविज़न को जो है तो ऑन करके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट जो है तो सही होता है कि नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों कभी भी इस प्रकार का फॉल्ट आपको देखने को मिलता है कि स्क्रीन पर दोस्तों आपको जो है तो कई रंग दोस्तों दिखाई देते हैं और ऑडियो सही आता है लेकिन दोस्तों पिक्चर दिखाई नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों मैंने इसे ऑन कर दिया है और अब हम देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है फॉल्ट जो है तो दूर हो चुका है। और इस प्रकार का फॉल्ट दोस्तों अधिकतर आपको जो है एलजी का टेलीविज़न सेट दोस्तों चाहे वो अल्ट्रा स्लिम हो चाहे दोस्तों नॉर्मल टेलीविज़न हो, आपको अधिकतर एलजी सैमसंग में दोस्तों ऐसा फॉल्ट आएगा कि आपका कभी दोस्तों वर्टिकल आईसीडी शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपको दोस्तों स्क्रीन पर जो है तो कई कलर दोस्तों दिखाई देते हैं, प्लेन दोस्तों प्लेन में कलर दिखाई देगा और दोस्तों साउंड आएगा।